हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ये ज़िक्टोटेक 1030 का जो अनबॉक्सिंग है वो वीडियो लाया हूँ। तो ये आपको कैसा लगे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये 2GB रैम का है ज़िक्टोटेक का 1030। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं, इसमें क्या क्या है। ये TVI स्लॉट यहाँ पे सपोर्ट करता है, GPU यहाँ पे NVIDIA GeForce GT 1030 और 2GB DDR5 रैम है ये। और ये मेमोरी बाज है, ये 64 बिट पे सपोर्ट करता है और HDMI और सपोर्ट्स विंडो 10, 8, 7 और 32 बिट यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है। और ये मैं अमेजोन से लाया हूँ, इसका प्राइस मैं वीडियो में लास्ट में बताऊँगा और इसका बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। GT 1030 को बाय कर सकते हैं, इसका प्राइस मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, उसमें मैं बहुत जल्द GTA 5 का गेम प्ले वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप तो वो चैनल नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो उसमें मैं बहुत जल्द गेमिंग वीडियो लाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेड बाय सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब है। इसका प्राइस इतना है, यहाँ पे 8700, इतने में मुझे नहीं पड़ा, इससे बहुत कम में मिला है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए इसको हम अभी अनबॉक्स करते हैं। तो इसका बाहर का पैकेज ऐसा है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, इसका सील आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन से कुछ सामान परचेस कर रहे हैं तो आप सील ज़रूर देख लीजिए। तो इसका सील मैं खोल दिया हूँ, अभी इसका अंदर का बॉक्स देखते हैं। इसमें मैं आपको क्या मिलता है, पहले एक DVD जो है, DVD मिलता है आपको एक, इसको बाद में आपको यहाँ पे जो कैसा इंस्टॉलेशन करना है ये सब मिलता है आपको, मैं आपको बताऊँगा आगे तो कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए, अब हमारा ये PC है, हमारा PC का जो ग्राफिक कार्ड है ये है। इसमें मेरा PC प्रीबिल्ट PC है, इसलिए इसमें छोटा लगेगा ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला मुझे लगेगा। तो इसमें बड़ा वाला लगाने के लिए आता है, बड़ा लगा हुआ। ये है हमारा छोटा सा नंदा सा ग्राफिक कार्ड, देख सकते हैं इसका फास्ट व्यू। यहाँ पे HDMI और VGA दो पोर्ट मिलता है आपको, DVI स्लॉट। तो इसको मैं अभी खोल लूँगा इसको, क्योंकि ये मुझे नहीं लगेगा। तो इसको मैं पहले खोल कर इसको दूसरा लगा लेता हूँ। अभी इसका अनबॉक्सिंग हो गया है, अभी मैं इसको स्पिक करूँगा, ये सब मैं साइड में रख देता हूँ अभी। तो अभी मैं इसको यहाँ पे खोल देता हूँ, क्योंकि मेरा जो PC है वो अभी मैं लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा PC है, इसमें मेरा प्रीबिल्ट PC है ये। तो आप पीछे देख सकते हैं, इसमें छोटा सा यहाँ पे लगेगा, इतना बड़ा नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें छोटा सा लगेगा। तो अभी मैं इसको सेंस करता हूँ, इसको मैं बाद में खोलूँगा। अभी जो ग्राफिक कार्ड है वो अभी मैं खोलूँगा इसको। तो यहाँ पे आप एक स्क्रू देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू को मैं अभी खोलूँगा। ये भी खोलने में बहुत आसान है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको सेंस कर देता हूँ।
आपको क्या चेंज करना है, पहले आपको ये इसका जो स्क्रू है इसको यहाँ से निकाल लेना है और ये दोनों स्क्रू आपको खोल लेना है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा आपका यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लगा देता हूँ। ये ऐसा इसीलिए आता है कि प्रीबिल्ट पीसी जो है वो बहुत कम स्पेस में आता है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कितना स्पेस है अंदर। तो इस पीसी के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे तो आप आई बटन पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं, मैं दे दूंगा वहाँ पे। और इसका अनबॉक्सिंग, इस पीसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी मैंने दिया है, तो आप जाकर इस वीडियो के बाद आप जाकर वो जरूर देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देता हूँ अभी, तो अभी ये स्क्रू टाइट हो गया है, आप देख सकते हैं इधर। तो इसका मैं ये सेंस कर दिया हूँ अभी, तो इसको मैं अभी इसमें लगाता हूँ। तो चलिए इसमें हम अभी ये लगाते हैं पीसी में। तो पीसी को पहले हमको खोलना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका पीसी लगाने में। तो आपको क्या करना है, पहले ये स्क्रू खोल लेना है। ये पीसी तो आपको इस तरह खोल लेना है इसको। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये पीसी का जो स्लॉट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें लगेगा आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे लगेगा। तो चलिए अभी इसको हम लगाते हैं। पहले ये जो हुक है इसको इस तरह खोल लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका पीसी जो है वो यहाँ से लगेगा। पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पे लगेगा ये। ये यहाँ पे नहीं, नीचे वाले में लगेगा, तो नीचे वाला मैं पहले खोल लेता हूँ। ऊपर वाला बिल्कुल खाली रहेगा, ऊपर वाला मैं बंद कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इसको थोड़ा प्रेस कर देना है, ये यहाँ पे फिट हो गया, तो देख सकते हैं। और एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड मेरा जो है वो इंस्टॉल हो गया है अभी। तो ये है प्रोसेसर और ये ग्राफिक कार्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा ग्राफिक कार्ड जो अभी लग गया है, तो देख सकते हैं ये घर पे। तो अभी मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम कंप्लीट हो गया है अभी, तो ये दोनों मैं बाद में वहाँ पर रख दूँगा। तो यहाँ पे ये पीसी लग गया, पीसी में ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे आप स्क्रू भी लगा सकते हैं, लेकिन स्क्रू नहीं लगने से भी चलेगा। तो अभी यहाँ पे मैं
इस ग्राफिक कार्ड का एक खासियत ये है कि ये बिना कोई स्लॉट के भी चलेगा, ये बिना कोई एक्सटर्नल पावर से सिर्फ 30 वोल्ट ये कंज्यूम करता है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट हो गया है, अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा कंप्यूटर में। इंस्टॉल में आपको मैं बता देता हूँ कौन सा पोर्ट कहाँ पे लगेगा। ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद आपका पोर्ट चेंज हो जाता है। तो चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी इसका दूसरा पार्ट में लाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और उस गेमिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें मैं बहुत जल्द GTA 5 का गेम प्ले लाने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।